नमस्कार, आप देख रहे हैं पाइनियर हरियाणा और मैं हूं आपके साथ भारती दुबे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का बुलेटिन कुछ खास खबरों के साथ। टिकटों में मुसलमानों की भागीदारी बढ़ाएगी बीजेपी। 15 सीटों पर मुस्लिम प्रत्याशियों के लिए सर्वे, पिछले चुनाव में था केवल एक कैंडिडेट। रोहतक में पकड़ा बाइक चोर गिरोह, 7 वारदातों का खुलासा। भिवानी के रहने वाले 3 आरोपी, 7 मोटरसाइकिल बरामद। हाईकोर्ट ने सरकार पर लगाया 50,000 का जुर्माना। ACS होम व DGP को किया तलब, दोषी अधिकारी से रिकवरी की छूट। बरेली में भारी बारिश, 35 जिलों में अलर्ट। शहर में 8वीं तक के स्कूल बंद, बिजली गिरने की आशंका, 6 दिन ऐसा ही रहेगा मौसम। शरद पवार गुट के 10 विधायकों को अयोग्य घोषित करें। महाराष्ट्र में NCP के अजित गुट ने विधानसभा स्पीकर को अर्जी दी। हरियाणा में भाजपा नेता गिरफ्तार, गृह मंत्री अनिल विज का OSD बता 27 लाख हड़पे। भांजा फरार, सब इंस्पेक्टर लगवाने का दिया झांसा। हरियाणा में 1072 सेंटरों पर ग्रुप डी का CET एग्जाम। HSSC में चंडीगढ़ में भी बनाए सेंटर, 4 शिफ्टों में 12 लाख उम्मीदवार देंगे परीक्षा। भाई के हत्यारों पर 3 लाख का इनाम, मोतिहारी में चचेरा भाई सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, हत्या के 1 महीने बाद भी पुलिस ने कुछ नहीं किया। पटना में दक्षिण भारतीय परिधान में दिखेगा रावण का पुतला, पिछले साल गिर गया था, इस बार 70 फीट का होगा रावण, बारिश होने पर भी जलेगा। चाकू से गला रेता नहर में फेंका, लेकिन मैं जिंदा लौटी, गहरे पानी में 500 मीटर तैरकर जान बचाई, बच्ची की गवाही ने करवाया हिस्ट्री शीटर का एनकाउंटर। यदि आपको हमारी खबर अच्छी लगी, इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, और ऐसी अन्य तमाम खबरों के लिए बने रहिए पाइनियर हरियाणा के साथ। नमस्कार।